हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एड्रेसिंग मोड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज इंप्लाइड मोड। इंप्लाइड मोड को हम इंप्लिसिट मोड भी बोलते हैं, और इस वीडियो में हम व्हाट इज इंप्लाइड मोड एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस, ये सारे हम विद एग्जांपल्स यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, दैट व्हाट इज द इंप्लाइड और व्हाट इज इंप्लिसिट मोड। ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इंप्लिसिटली इन द डेफिनेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब जो ऑपरेंड की वैल्यू है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही क्या है, इंप्लिसिट है, मतलब उसका जो हिंट है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमें दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंट accumulator, मतलब हमारे पास instruction है INCA, that is what increment accumulator। अब यहाँ पे हमारे पास जो operand की value है, generally हमने जैसे last video में भी discuss किया था, instruction में हमारे पास क्या होता है, opcode and operand। अब अगर हम बात करें यहाँ पे operand की value हमें explicitly अलग से नहीं दी हुई, जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे add R1 R2, अब इसका मतलब क्या है कि R1 और R2 की वैल्यू को ऐड करके मुझे R1 में ही सेव करना है, और यहां पे मेरे को जो ऑपरेंड की वैल्यू है कि कहां से हमें डेटा उठाना है, ऑपरेंड कहां पे है, वो हमें इन रजिस्टर्स पे जाना पड़ेगा। मतलब हमें अलग से दिए हुए हैं R1 और R2 रजिस्टर, जहां से डेटा को उठाओ, ऐड करो, और डेस्टिनेशन क्या है आपका, अगेन R1। लेकिन अगर हम बात करें यहां पे इंप्लिसिट मोड की, तो इंप्लिसिट मोड या इंप्लॉयड मोड के अंदर हमारे पास जो ऑपरेंड की वैल्यू है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही, देखो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमें हिंट दिया हुआ है, सोर्स भी इंस्ट्रक्शन के अंदर ही है, डेस्टिनेशन भी जो है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमें जो इंप्लिसिट किया हुआ है। तो यहां पे इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर का मतलब क्या है कि एक्यूमुलेटर की जो भी वैल्यू है उसमें आपने क्या करना है, +1 कर देना है, एक ऐड कर देना। तो यानी यहां पे हमें ऑपरेंड अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि कोई मेमोरी एड्रेस है या कोई रजिस्टर की वैल्यू है, नहीं, हमें डायरेक्ट यहां पे इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमें पता लग जाएगा। तो अगर हम बात करें यहां पे, ये बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर 0 एड्रेस एंड 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए। मतलब 0 एड्रेस क्या होता है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर देता हूं, आप एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें कि 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, किस सिनेरियो में हम यूज करते हैं, तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज करते हैं, और 1 एड्रेस जो है वो बोलते हैं हम एक्यूमुलेटर, सिंगल एक्यूमुलेटर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम यूज करते हैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो ये देखो यहां पे अगर हम बात करें 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो ये इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर जो है, ये एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन जनरली हम यूज करते हैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए। ऐसे अगर मैं लिखता हूं सीआरसी, मतलब क्लियर करना है हमें जो कैरी फ्लैग है उसको हमें क्या करना है, क्लियर करना है। तो यहां पे भी सीआरसी में क्या कर रहे हैं, हमें अलग से कोई भी ऑपरेंड की वैल्यू, अलग से हम कोई एड्रेस नहीं दे रहे, हम इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमें पता लग रहा है कि हमें एक्चुअल में किसके ऊपर काम करना है, किस डेटा के ऊपर काम करना है। ऐसे अगर मैं लिखता हूं यहां पर कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी डेटा है उसको आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो अलग से हमें कुछ नहीं मेंशन किया, ना हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू, ना हमें कोई कांस्टेंट, ना कोई मेमोरी, नथिंग, हमें इंस्ट्रक्शन के अंदर ही पता लग जाएगा कि एक्चुअल में डेटा कहां पे पड़ा है, मतलब कहां से हमें डेटा को उठाना है और कहां पे हमें उसको स्टोर करना है। और अगर हम बात करें 0 एड्रेस, तो 0 एड्रेस में जनरली अगर मैं लिखता हूं एड, सिंपली अकेला ऐड लिखता हूं, तो ऐड का मतलब क्या है कि अब अगेन मैंने यहां पे कोई ऑपरेंड नहीं डिफाइन किया, तो 0 एड्रेस या स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम ऐड लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट 2 वैल्यूज को हमने पुश, जो पुश किया था लास्ट 2 वैल्यूज को, उनको पॉप करके ऐड करके हमें दोबारा से पुश कर देना। इसका मतलब क्या है कि हमने ऑलरेडी स्टैक के अंदर कुछ डेटा डाला हुआ है, तो टॉप ऑफ द स्टैक जहां पे भी मेंशन कर रहा है उसको उठाओ और इसे एक प्रीवियस वैल्यू को उठाओ, दोनों को ऐड करके दोबारा से स्टोर कर दो उस लोकेशन में। तो ये जो ऐड है, अकेला ऐड से ही हमें पता लग रहा है कि एक्चुअल में हमें क्या काम करना है, हमें अलग से कोई भी बताने की जरूरत नहीं है, ना कोई रजिस्टर, ना कोई मेमोरी की वैल्यू। तो ये है एक्चुअल में इंप्लाइड मोड। और इंप्लाइड मोड का बेनिफिट क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन का साइज है, इंस्ट्रक्शन का साइज ऑब्वियसली आपका कम होगा, क्यों, क्योंकि हमें अलग से कोई ऑपरेंड की वैल्यू, कोई मेमोरी, कोई भी एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही, ऑपकोड के अंदर ही हमें साथ के साथ पता लग रहा है कि हमें किस डेटा के ऊपर कहां पे एक्चुअल में काम करना है, तो इंस्ट्रक्शन का साइज क्या होगा आपका, छोटा होगा। तो इसीलिए हम यूज करते हैं इसको, इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड को। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड। थैंक यू।